क्लास में लिया था। फर्स्ट क्लास में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में बताया था, सेकंड क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था, ये मेरी तीसरी क्लास है जिसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में बता रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम सभी प्रकार की मतलब हो रही सभी प्रकार की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क कंप्लीट होता है जिसे DBMS के नाम से जानते हैं। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका इंस्ट्रक्शन नेम .xlsx होता है। इसमें रॉ होती है, रॉ जो ऐसे होती है वो होती है 10,48,576 रॉ होती है, और कॉलम जो ऐसे होते हैं वो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। इसका मतलब इसे ओपनिंग दो रूल है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले क्या था, पहले स्टार्ट बटन, फिर आल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2004। जैसे ही कंप्यूटर हो गया, इसमें जो ये वाला पार्ट है टाइटल बार है, इसमें टाइटल बार में इसका नेम बुक पर शो होता है, और टाइटल बार के नीचे होता है स्टेटस बार। स्टेटस नहीं, टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की मेनू शो होती है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ATC, और इसके नीचे रिबन होता है, इसमें मेनू से रिलेटेड ऑफिस ऑप्शन शो होते हैं, और इधर हो गया नेम बॉक्स, इसमें सेल ब्राइटनेस शो होता है, इधर होता है फॉर्मूला, लिखा गया टेक्स्ट और यूज किया गया फॉर्मूला शो होता है। आप लोग को पता है जो प्लस का ऑप्शन होता है एक्सेल में, प्लस का ऑप्शन होता है उसका नेम क्या होता है, प्लस जो प्लस का ऑप्शन होता है एक्सेल में उसे क्या बोलते हैं, हमारे एक्सेल में प्लस का ऑप्शन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कंट्रोल प्लस एन मतलब कि न्यू, उसमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, उसमें न्यू वर्कबुक ओपन होती है, और इसी में सेव, सेव एज प्रिंट, प्रिपेयर, पब्लिश, जैसे वर्ड में होता है सेम वैसे होता है, हमें अपने जो हम फाइल बनाते हैं उसे सेव करना है, तो हम सेव में जाते हैं, फिर हमें नेम बॉक्स आता है, हम जिस नेम से सेव कर देते हैं उसी नेम से सो मतलब सेव हो जाती है फाइल, और सेव एज में हमें सेव एज में हमें अपने नेम जैसे चेंज करना है फाइल का नेम तो उसमें से कर सकते हैं। पब्लिश में अगर हमारा डॉक्यूमेंट है हमें प्रकाशित करना है सब जगह मतलब, तो उसमें पब्लिश में ये होता है, और प्रिपेयर प्रिपेयर में हमें अपने डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगाना हो तो प्रिपेयर का यूज करते हैं। सेंड, अगर हमें अपनी फाइल को किसी को सेंड करना है तो फिर सेंड का यूज करते हैं। जैसे इंक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज डॉक्यूमेंट, इसमें हमें अपने टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट साइड में करना है तो हम इंक्रीज डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट हो गया। और जैसे हमारे मतलब एक्सेल में रहती है, और मैं पिछली क्लास में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया था, इस क्लास में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन दूंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम किसी भी ऑफिस या किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल में मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क करते हैं जिसको हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसका एक्सटेंशन नाम होता है .xlsx, और इसमें
कुछ हेडिंग्स में बताऊंगी। फॉर्मूला बार में टेक्स्ट में लिखा गया, सेल में लिखा गया टेक्स्ट और यूज किया गया फॉर्मूला शो होता है और नेम बॉक्स में सेल का नेम शो होता है। क्या आप में से किसी को पता है कि लास्ट सेल का क्या नाम होता है? किसी को पता है? बोलो कि नहीं पता है। लास्ट सेल का नाम होता है XFD और इसमें एक सेल और एक रो को मिलाकर, एक रो और एक कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि सेलेक्ट किए गए डेटा में अगर अपनी अगर अलग अलग प्रकार से कंडीशन लगाना है तब हम इसका यूज करेंगे और इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे वो नंबर फॉर्मेट में अगर अपनी आवश्यकता अनुसार लेस देन या ग्रेटर देन का यूज करना है तब हम इसका यूज करेंगे। जैसे किसी भी चीज का हाथ लेना है हमें, जैसे फॉर्मूला निकाल के तो
मोड का इसमें यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और एस क्यू आर टी इस फॉर्मूला के यूज में इसमें हमें हमें कंप्यूटर में ऐसा कि जैसे डेट पता करनी है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद तो पूछते हैं माय डेट निकल आएगी और नाउ नाउ मैं होता है अगर हमें अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम दोनों निकालनी हो तो हम नाउ का इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूला एक फॉर्मूला के और भी कई फॉर्मूला है जिसका यूज करते हैं जैसे अपर हो गया। इसमें हम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, इसको हमें कैपिटल लेटर में करना हो तब हम अपर के फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये पहले हमने पढ़ा था एमएस वर्ड, पढ़ा समझा और समझाया कि अब हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल उसका इंट्रोडक्शन। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से हम कंपनी और ऑफिस को बहुत ही आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इसमें हम लॉजिकल और मैथमेटिकल एक्स एल एस एक्स और इसमें रो होती हैं रो 10,48,576 और इसमें कॉलम एस होती है जो ऐसे होती है वो कॉलम होती है जो ऐसे होती है रो होती है। कॉलम होती है 16,384 146 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की
पहुंच चुकी है जो कि हमारे किसी भी देश में इतनी जनसंख्या अभी तक नहीं है। सबको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या इस समय टॉप पर चल रही है। तो वहां लड़ाई ये चल रही है, ये हमारा देश, ये हमारा जो कब्जा लिए हो तुम दे दो। इस केवल सिर्फ वहां पर एक ऐसा मस्जिद या फिर मंदिर है, पुरातत्व विभाग ने बताया है, मैं देख रहा था न्यूज में, कि ये मंदिर कोई भक्त मंदिर है, प्राचीन काल से चलता आया हुआ है। वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं, वहाँ इतनी मौतें हो चुकी है, लगभग 5-4 लोगों को मारा गया है इजराइल में, और वहाँ के जो आतंकी लोग हैं, ठीक है।